मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एक प्रोग्राम में पहुंचे प्रभारी मंत्री सिद्धार्थ नाथ ने सरकारी योजनाओं का बखान किया, साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और उन्हें नासमझ करार दे दिया। चलो सर, देखिए एक बड़ी योजना है, NCR की घोषणा बहुत सालों पहले हुई थी, लेकिन पिछली जो UPA की सरकार थी उन्होंने यहाँ से यातायात या NCR का जो यातायात की दृष्टि में कुछ भी नहीं किया। आज मोदी जी ने बहुत बड़ा शिलान्यास किया है, यहाँ से रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट जो कॉरिडोर है उसका शिलान्यास किया है, सिस्टम को उसको लागू किया है, और ये 32,000 करोड़ की है जो मेरठ से चलेगी गाज़ियाबाद होते हुए दिल्ली जाएगी, और इससे जो दूरी थी वो अब 1 घंटे में सफ़र उसका पूरा होगा, ना तो 3 घंटे के ऊपर लगता था। तो यहाँ के लोगों को और अगल बगल जो मेरठ के लोगों उनको बहुत सहूलियत मिलेगी, वो दिन में सुबह जा सकते हैं और शाम को आ सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी, और साथ ही साथ गाज़ियाबाद में एक हिंडन एयरपोर्ट है जो एयरफोर्स का था, उसमें भी सिविल टर्मिनल करा है, तो अब उड़ान के माध्यम से 2,500 रुपये के माध्यम से लोग अनेक शहरों में जो भारत के हैं वहाँ भी जा सकेंगे। देखिए आज से शुरू हुआ, जो मेरे को जानकारी मिली है 2 पैकेज का जो कंस्ट्रक्शन का टेंडर है वो शायद आज ही लोड हो गया है, तो ये बहुत बड़ी शुरुआत है। और जो ये कहा जाता है कि 2024 तक की ये पूरा का पूरा फैसिलिटी जो है वो तैयार हो जाएगी, तो ऑपरेटिव हो जाएगी, तो बहुत बड़ी चीज़ होगी 5 साल में। अब मोदी जी की सरकार के अंदर अब जो एयरपोर्ट 10-10 साल लगते थे वो एक साल या 11 महीने के अंदर हो रहे हैं, हिंडन वैसे हो गया, प्रयागराज वैसे हो गया, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये 2024 तक की पूरी जो ऑपरेटिव सिस्टम हो जाएगा। सर, एक राहुल गांधी की बड़ी अच्छी बात कही थी, वो दोबारा सुनना चाहिए। देखिए राहुल गांधी जी दिन रात एक ही अलापते हैं, वो एक पहले कहा जाता है ना था कि जो HMV का एक रिकॉर्ड हो जाता तो फंस जाता था, वही बार बार बोलता रहता था, तो उसी प्रकार से वो रफेल भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कहते हैं, जबकि उनको समझ नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट उस पर जजमेंट दे चुकी है, हर तरफ से जजमेंट आ चुका है, मगर आज भी उन्होंने एक बहुत ही कहते हैं जो हमारे वीर सैनिक हैं उनके साथ भी एक भद्दा मजाक किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग वहाँ पे पुलवामा के बाद जो एयर स्ट्राइक हुआ उसके अंदर HAL ने प्लेन बनाया होता तो वो इतने मरते नहीं, मगर उनको यही नहीं समझ आता कि पुलवामा के बाद जो एयर स्ट्राइक हुआ उसमें हमारा कोई भी सैनिक मरा नहीं है। अब इससे ज़्यादा कोई क्या कह सकता है, कोई ना समझ हो, मगर अब मैं इससे ज़्यादा उनके बारे में क्या कहूँ कि जब वो एक ना समझ व्यक्ति हैं और रोज झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं, अब वो जो व्यक्ति होता है इस प्रकार की जब बातें करता है तो हम लोग पूर्वांचल में कहते हैं वो थोड़ा जो उम्रदार हो जाते हैं उनको कह देते हैं, घर पे बोलते हैं, गांव में बोलते हैं, अरे मत सुनो, बुढ़ा गए हैं, थोड़ा सटिया गए हैं। तो लगता है कि राहुल गांधी नौजवान होते हुए भी कुछ सटिया गए हैं।